गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहनाज अरबेज। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है दो साइड वाली न्यूज़ देने वाली हूँ। सो या इस वीडियो के एंड तक बने रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो गाइस फर्स्ट शर्ट वाली न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। सो गाइस इश्क में मैं जाऊँ अभी जो है सीजन 2 जो अभी चल रहा है, कल रिश्ते पे रिटर्न आ रहा है, मतलब फिर से रिपीट दिखा रहा है एपिसोड्स, तो वहाँ के TRP जो है मतलब 0.6 आई थी। तो फर्स्ट अब जो है हमारा इसमें मैं जो हूँ थर्ड पोजीशन पे आया है, जो शोज की रैंकिंग होती है, शोज रैंकिंग ऑफ द वीक, उसके बाद जो शोज रैंकिंग ऐसे शो मोस्ट पॉपुलर शोज ऑफ द वीक ऐसा होता है ना, सो उसमें हमारा इसमें मैं जो हूँ जो है थर्ड पोजीशन ऑक्यूपाई किया है। सो ये हुई सबसे बैड वाली न्यूज़ फॉर ऑल इश्क में मैं जाऊँ सीजन 2 फैंस, फॉर ऑल या शाहिल हेलिशा एंड राहुल सुधीर फैंस। सो गाइस ये थी फर्स्ट सैड न्यूज़। उसके बाद जो सैड न्यूज़ है उसको सुन लेके मतलब सुन के आप लोग बहुत ही सैड हो जाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों किया जा रहा है, किस कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है। सो गाइस अब जो है सेकेंड सैड न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। सो मतलब इश्क में मैं जो हूँ सीज़न 2 के जो हम लोग वोट कर रहे हैं, इतना वोट कर रहे हैं इंटर साइकोनिक अवार्ड्स में, यान शाहिल को जो वोट कर रहे हैं हम लोग, तो वोट कर रहे हैं ना हेली शाह, सॉरी राहुल नहीं, यांश और राहुल से और हेली शाह को हम लोग जो इतना वोट कर रहे हैं इंटर साइकोनिक अवार्ड्स के वोट्स मतलब पोस्ट पर जो हम लोग जो इतना जो लिख रहे हैं, इतना तकलीफ करके लिख रहे हैं, इतना सारा जो ये कर रहे हैं, सो वो सब क्या हो रहा है पता है आप लोगों को गाइस? सो वो सब कमेंट्स जो है डिलीट कर दिए जा रहे हैं, डिलीट हो जा रहा है, डिलीट हो जा रहा है, जितना कमेंट आ रहा है उतना डिलीट हो जा रहा है। अब ये डिलीट कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्या रीज़न है, मतलब किस चीज़ के लिए वो खुद डिलीट कर रहा है, या फिर किसी को देख के करवा रहा है, या फिर खुद ही डिलीट हो जा रहा है, मतलब खुद तो डिलीट नहीं होगा। और गाइस ये मतलब अभी जो ना बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है कि रेड स्ट्राइक पर जा रहा है, रिस्ट्रिक्ट हो जा रहा है किसी का आईडी, क्योंकि बहुत कमेंट्स कर रहा है, 2-4 कमेंट्स में बस हो गया काम, रिस्ट्रिक्ट हो गया आईडी। सो ऐसा आप लोग जो है मत करो, एक ही आईडी से दो बार कमेंट करो, होगा होगा नहीं होगा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और अभी जो है वोट कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, और वोट का जो रिज़ल्ट है वो कब निकलने वाला है वो जो है मैं इसी वीडियो में बता देती हूँ। तो 18 अगस्त को जो है कंफर्म ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है, 18 अगस्त को जो है होने वाला है, अब मतलब रिजल्ट आने वाला है। सो हम लोग को जो है कंटिन्यू वोट करते रहना है। मैं तो हर दिन एक ही मतलब एक आईडी से नहीं करती हूँ वोट, अलग अलग आईडी से करती हूँ, एक ही कमेंट करती हूँ, ज़्यादा करूँगी तो मेरे मतलब मेरे प्रोफाइल पर कुछ खतरा होगा, तो इसलिए जो है मैं एक ही बार कमेंट करती हूँ, तो वो होगा होगा नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते इस पर, और मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि लोग अगर ऐसा कमेंट को अगर किसी को पैसे दे के किसी को कुछ दे के अगर करवाएंगे, और अभी रियाज फैंस जो है ज़्यादातर हेल्प ले रहे हैं, दूसरे दूसरे जोड़ीज के फैंस को बोल रहे हैं, तो ज़्यादा से प्लीज़ प्लीज़ आप लोग ज़्यादा आईडी बनाओ और हमारे रियाज को प्लीज़ वोट करो। सो वो लोग जो है वोट भी कर रहे हैं, हमारे रियाज फैंस जो है किसी से हेल्प भी ले रहे हैं दूसरे जोड़ी के फैंस। तो गाइस इस बार का अवार्ड जो है हम लोग को इसमें मैं जाऊँ मतलब बेस्ट शो ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है हम लोग इसमें मैं जाऊँ को भी दिलवाना है, और यांश जोड़ी को भी दिलवाना है बेस्ट जोड़ी ऑफ द ईयर का, और राहुल सिंह और हेली शाह अगर बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अगर नहीं भी जीतते हैं तो मतलब उतना भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा उनके न्यू प्रोजेक्ट पर, और रियांश का मतलब रियांश हो सकता है अगर रियांश जीत गया, रियांश अगर जीत गया तो हो सकता है इसमें मजा 3 में वही आए, रियांश जोड़ी के साथ ही आए इसमें मजा 3 मतलब उसी के ही साथ आए। अगर राहुल या हेलिशा जीत भी गए तो कुछ नहीं होगा, रियांश जोड़ी अगर नहीं जीतेगा तो कुछ नहीं होगा, राहुल सिंह और हेलिशा जीतेंगे तो उनका न्यू प्रोजेक्ट जो है वो जल्दी आ जाएगा, बट अगर अभी तो कमेंट्स तो ज़्यादातर डिलेट हो जा रहे हैं तो कैसे जीतेंगे अभी कुछ नहीं कह सकते हम लोग, और कौन डिलीट कर रहा है ये मुझको भी नहीं पता है। सो अब जो है मतलब मैंने आप लोग बताया इश्क में मरजाओ जो है जोड़ी रैंक मतलब सॉरी वो शोज रैंकिंग में जो है थर्ड नंबर पे आया है। सो आप लोग सोचोगे तो शो के रिपीट एपिसोड्स दिखाए जा रहे हैं, TRP भी अच्छी नहीं आएंगी और थर्ड पोजिशन पे ही रहना मतलब इसमें जो 2 अफेयर हो चुका है, बट तभी भी क्या थर्ड पोजिशन आया है,
तो हमें जो है उसको फर्स्ट पे लाना है या फिर सेकंड पे ही रखना है। थर्ड पे आएगा तो मतलब उसका जो है घटता जाएगा, पोजीशन जो है घटता जाएगा। थर्ड पोजीशन ऑक्यूपाई किया है, इसी वीक ऑक्यूपाई किया है, तो अगले वीक वो सेकंड पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं करेगा, फोर्थ पोजीशन करेगा, उसके बाद एकदम लास्ट में चलाएगा। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना है, हम लोग को जो है उसको जिताना होगा, ताकि मतलब इंस्टाग्राम पे वर्ड्स होते हैं, सो आप लोग को उसी पे ही जिताना मतलब जिताना है। और इंटरेस्ट आइकोनिक अवर्ड्स में यूट्यूब पे भी वोट किया जाता है, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर सब पे वोट किया जाता है। तो मैं तो फेसबुक और ट्विटर तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, और मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब ही ज़्यादातर मैं एक्टिव रहती हूँ। जो जो लोग इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं रहता है मैं उनको बोल सकती हूँ आप लोग जो है यूट्यूब पे भी वोट कर सकते हैं। आप किस पे वोट करें ये मैं मेरे अगले वीडियो पे आप लोग जो है पूरा का मतलब पूरा तरीका ही बताऊँगी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, देन सब्सक्राइब दिस चैनल। सो गाइस अपडेट मिलती हूँ, तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।